છે મિત્રો આ સમાજ પાસે બે હાથ જોડીને तो भाइयों जो पुरुषोत्तम रूपाला है जो कि फिर से क्षत्रिय समाज से माफी मांग रहा है जे क्षत्रिय समाज में रोष फैलाना एने मैं अनुभूति पण करी मैं तो पहलो फोन आयो एने ज कही दीधो तो का मारी तो अभी कोई भावना होय नहीं छता आपने एम लाग्यो तो हूं माफी मांगू छु भाइयों हम इसको बोलना चाहते हैं कि तेरी से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा तू दूसरी बार माफी मांग रहा है तू दूसरी बार क्या तू 20 बार 200 बार भी माफी मांग लेकिन क्षत्रिय समाज तुझे माफ नहीं करेगा तेरी ये एक ही सजा है तू इस राजकोट लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेगा क्यों लड़ेगा तू चुनाव कल को क्या भरोसा है तू चुनाव जीतकर फिर से क्षत्रिय समाज के खिलाफ बकवास ना कर सके क्या भरोसा है तेरा सामने आकर तो तुम कर नहीं सकते अब तेरी फट गई तो माफ़ी मांगता हूँ नजर आ रहा है लेकिन क्षत्रिय समाज बेवकूफ़ नहीं बनेगा तू राजकोट लोकसभा से चुनाव क्यों लड़ रहा है क्यों माफ़ करें तुझे राजकोट खाली कर राजकोट जो जगह है ये जडेजा क्षत्रियों की रियासत है क्षत्रियों ने दान करी है ये चुनाव लड़ने ये हुकूमतें करनी ये सब क्षत्रियों का काम है ये शासन करना तू कैसे शासन कर सकता तेरी औकात है क्या तुझे नहीं माफ करेंगे तू लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा शासन करना सिर्फ क्षत्रियों का हक है जहां से क्षत्रियों को टिकट दी जाए ये बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी आरएसएस कांग्रेस जितनी है ये करना बंद कर दो क्षत्रिय समाज को एक टिकट नहीं दी गुजरात से कोई भी क्षत्रिय वोट नहीं डालेगा तुझे तुमने जो क्षत्रियों पर टिप्पणी की है गलत टिप्पणी की है क्षत्रियों को बोला था रजवाड़ों के बारे में तो तुझे यही बताना चाहते हैं इस सरकार को कि राजकोट की टिकट भावनगर की टिकट चाहे फिर और भी टिकटें बड़ोदरा वगैरह की ये सब क्षत्रियों की बनती है जहाँ से आसानी से क्षत्रिय चुनाव लड़कर जीत सकते हैं क्योंकि क्षत्रियों के अच्छे खासे वोट बैंक है जहाँ पर और इन्होंने एक टिकट भी नहीं दी 0 टिकट देने पर तुझे माफ़ करेंगे और ऊपर से तू बोल जाएगा क्या माफिया मांग रहा अब क्यों डर लग रहा तेरे को जब माफ़ी नहीं मांगी जाएगी माफ़ नहीं किया जाएगा क्योंकि शासन करना सिर्फ क्षत्रियों का हक है तू शासन नहीं कर सकता तू इससे बर्खास्त तो करे सरकार इसको और क्षत्रियों को 3 टिकटें दे तब तक माफ़ी कोई नहीं 3 टिकट क्षत्रियों को राजकोट से इसको बर्खास्त करके 3 टिकटें क्योंकि शासन करना सिर्फ क्षत्रियों का हक है तू शासन कैसे कर सकता है क्षत्रियों पर और ऊपर से तू बकवास कर सकता है तो तुझे कोई माफ़ी नहीं अब चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी भाइयों को जय देव जय माँ भवानी और जय शातव